सन 1280। कहानी है स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड के राजा की मौत होने के बाद इंग्लैंड के राजा द एडवर्ड लॉन्गशैंक्स ने स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लिया, क्योंकि स्कॉटलैंड के राजा का कोई भी वारिस नहीं था और स्कॉटलैंड अब इंग्लैंड के राजा के कब्जे में था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बेरहम बादशाह था। स्कॉटलैंड के बागियों ने इंग्लैंड के राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की और जिसके चलते इंग्लैंड के राजा ने उन्हें एक समझौते पे बुलाया, लेकिन राजा की शर्त ये थी कि वो बिना हथियार के आएंगे और वो सब भी मान जाते हैं। आगे दिखाते हैं इस समझौते के लिए एक और आदमी भी होता है, उसका नाम होता है विलियम वॉलियस और ये एक किसान होता है। इस किसान के दो बेटे होते हैं, जॉन और विलियम। तभी ये उस जगह पहुँचता है जहाँ पर समझौता होना है। तभी ये देखता है कि वहाँ पर सबको फांसी लगा दिया गया होता है, इसका कोई भी साथी ज़िंदा नहीं होता। ये वापस भाग के आते हैं 50 साथियों के साथ। ये कहते हैं कि हम राजा के खिलाफ जंग करेंगे। ये तादाद में बहुत कम होते हैं पर हौसला इनके बाद बहुत ज़्यादा होता है और ये जंग करते हैं, लेकिन जंग में ये मारे जाते हैं। आगे ये दिखाया जाता है कि जो विलियम होता है उसके एक चाचा होते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं स्कॉटलैंड से बहुत दूर। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और विलियम बड़ा हो जाता है और विलियम अब वापस अपने गाँव में आता है। गाँव में वापस आने के बाद वो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। वहीं पर एक लड़की होती है जो उसकी बचपन की दोस्त होती है, इसका नाम होता है मुरोन और विलियम को उससे प्यार हो जाता है और वो दोनों चुपके शादी कर लेते हैं। और चुपके शादी वो इसलिए करते हैं, इंग्लैंड के राजा ने एक नया रूल निकाला होता है। इंग्लैंड के राजा का नया रूल ये था कि जो कोई भी शादी करेगा पहली रात उसकी सुहागरात हमारे जमींदार मनाएंगे। इंग्लैंड का राजा ये रूल इसलिए निकालता है कि वो स्कॉटलैंड की ज़मीन हथियाना चाहता है। इंग्लैंड का राजा बहुत ही तेज़ और बहुत ही शातिर होता है। और अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि गांव में अभी भी कुछ लोग हैं जो इंग्लैंड के राजा के खिलाफ अभी भी आवाज़ उठाना चाहते हैं। आगे ये दिखाते हैं कि कुछ लोग विलियम के पास जाते हैं और उसे कहते हैं हमारा साथ दो। विलियम कहता है मैं खेती करना चाहता हूँ, बस सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। वो मना कर देता है। अगले सीन में अब ये दिखाया जाता है कि एक गाँव में जब मुरोन होती है तो इंग्लैंड के राजा का एक सिपाही होता है जिसकी गंदी नज़र होती है उस लड़की पर। अब वो उसे छेड़ता है लेकिन मुरोन उसे थप्पड़ मार देती है। वो बात याद रखता है दिल में। और थोड़ी ही देर के बाद फिर से दिखाते हैं कि वो सिपाही घूम के आ जाता है और मुरोन की वो इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे विलियम आ जाता है और विलियम उसे मारता है। और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो सारे सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। विलियम मुरोन को घोड़े पर बिठा के कहता है तुम मुझे नदी के किनारे मिलना और वो उसे वहाँ से भेज देता है। विलियम सारे सिपाहियों से अकेला लड़ रहा होता है, लेकिन जब मुरोन रस्ते में होती है तो उसे कुछ सिपाही पकड़ लेते हैं। ये बात विलियम को नहीं पता होती। अब किसी तरह से विलियम वहाँ से निकल जाता है और नदी के किनारे पे पहुँचता है। वो देखता है कि मुरोन यहाँ पे नहीं पहुँची होती। वो समझ जाता है मुरोन को बीच गांव में बांध दिया गया होता है और वो बोलता है कि सिपाहियों पे हाथ उठाने का मतलब है कि इंग्लैंड के राजा पे हाथ उठाना और इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। और अब मुरोन जानती है कि उसे वो कत्ल करने वाला है और उसकी आँखें विलियम का इंतज़ार कर रही होती हैं, लेकिन विलियम अभी तक नहीं पहुंच सकता। और इसके बाद वो मुरोन का गला काट देता है। और विलियम जब गांव में वापस आता है तो सारे सिपाही उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। विलियम को पता चल जाता है कि मुरोन को मार दिया गया होता है और विलियम उन सब पे हमला करता है। और विलियम जब अकेला उनसे लड़ रहा होता है, गाँव के और भी बागी लोग होते हैं जो राजा से बदला लेना चाहते हैं, वो भी विलियम का साथ देते हैं और वो उन्हें मार देते हैं। और जिस अंग्रेज़ ने उस मुरोन को मारा होता है, विलियम भी उसे उसी खंबे के साथ बांध के वैसे ही उसका गला काट देता है। हालांकि विलियम ने बदला तो ले लिया पर विलियम ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खोया है। सबसे पहले उसने अपने पिता को खोया, फिर अपने भाई को खोया, अब उसने अपनी बीवी को भी खो दिया। और अब विलियम के पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता, वो अपनी बीवी को याद करता रहता है। अगले सीन में ये दिखाते हैं कि विलियम और उसके साथियों ने अपने गाँव को आज़ाद करवाया होता है, गोरे लोग वहाँ से भाग चुके होते हैं। अब विलियम सबसे बदला लेना चाहता है। और जब ये बात गांव के आसपास गांव में पता चलती है तो वहाँ के सारे लोग जितने भी होते हैं राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, वो सब एक जगह पे जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आसपास के गांव में जब ये खबर फैल जाती है कि अंग्रेज़ी लोगों को मारा गया है, वो एक जगह पर जमा होना हो जाते हैं। अब उसके बाद ये बागियों की बहुत बड़ी टोली बन जाती है और इनका लीडर होता है विलियम वॉलर्स। और अब एक के बाद एक अंग्रेज़ को मारा जाता है, वो अपने मुल्क से निकालना चाहते हैं उन्हें।
अगले सीन में ये दिखाया जाता है विलियम और उसके साथी एक मजिस्ट्रेट को मार देते हैं और पूरे शहर पे कब्जा कर लेते हैं। ये बात इंग्लैंड के राजा को पता चलती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं विलियम वॉलर्स की वजह से। और इंग्लैंड का राजा अपने बड़े बेटे को ये जिम्मेदारी देता है कि अब ये तुम्हें संभालना होगा। राजा के बड़े बेटे की शादी हो चुकी होती है और उसकी शादी हुई थी फ्रांस की रानी के साथ। हालांकि उसके बेटे के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और साथ में यही कहते हैं कि इसका फ़र्ज इसका बाप ही निभाएगा, मीन्स कि ये खुद ही बाप बनेगा। वो राजा बहुत ही जालिम होता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी नस्ल के लिए कुछ भी करेगा। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि राजा का बेटा एक बहुत बड़ी टुकड़ी भेजता है स्कॉटलैंड में। उस टुकड़ी में बहुत सारे तीरंदाज, बहुत सारे घोड़े और बहुत सारे सिपाही होते हैं। और जब वो बड़ी टुकड़ी विलियम वॉलर की टुकड़ी के सामने पहुंचती है तो और वो सब डर जाते हैं और वो सब डर जाते हैं और वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन विलियम वॉलर सबको मोटिवेट करता है। विलियम के मोटिवेट करने के बाद और ये डिसाइड होता है कि वो जंग करेंगे। अब इनके कुछ साथी कहते हैं कि ये हम कैसे मुकाबला करेंगे, इनके पास तो बड़े बड़े घोड़े हैं, ये घोड़ों पर बैठे हैं। असल में विलियम को पता होता है कि उसे मुकाबला कैसे करना है। उसने पहले से बड़े बड़े लंबे लंबे भाले बनाए होते हैं, क्योंकि ये पैदल सेना होती है, ये घोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती। और राजा जब अपने घोड़ सवारों को भेजता है हमला करने के लिए तो विलियम ने पहले से लंबे लंबे भाले बनाए होते हैं, वो उन्हें मार देते हैं। और इसके बाद विलियम और उसकी पूरी सेना अंग्रेज़ों पर धावा बोल देते हैं। अंग्रेज़ों को बहुत मारा जाता है, एक भी अंग्रेज़ बच के नहीं जाता। अब विलियम वॉलर की ये बहुत बड़ी जीत होती है। अगले सीन में अब ये दिखाया जाता है कि स्कॉटलैंड के बड़े बड़े उदे वाले लोग विलियम को सर की उपाधि देते हैं और साथ में ही स्कॉटलैंड के रखवाले का खिताब भी। अब वो सब बड़े बड़े लोग और लालची लोग होते हैं। अब जबकि उन्हें पता होता है हम जंग जीत चुके हैं, अब जंग नहीं होने वाली, वो आपस में लड़ पड़ते हैं। और ये लड़ाई होती है तख्त के लिए। तख्त के दो दावेदार होते हैं यहाँ पे। और विलियम कहता है कि हमने अभी अंग्रेज़ों को मारा है लेकिन वो लौट के आएंगे, तुम आपस में लड़ते रहो, मैं जा रहा हूँ। अब वहाँ पे एक आदमी होता है, वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। विलियम कहता है कि हमें इंग्लैंड पे हमला करना है, लेकिन विलियम की बात से कोई भी इत्तफाक नहीं रखता, क्योंकि इंग्लैंड पे हमला करना बहुत बड़ी बात होती है। अब वो पहुँचता है यॉर्क सिटी और वहाँ पर वो पूरी सिटी को लूट लेता है। और वहाँ पर जो मेन आदमी होता है वो होता है एडवर्ड का भांजा, इंग्लैंड के राजे का भांजा, और वो उसकी गर्दन कटवाकर राजा को भेज देता है। और जब वो अपने भांजे की कटी हुई गर्दन देखता है तो वो डर जाता है। वो ये बात जानता है कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये इंग्लैंड पे हमला भी कर सकता है और ये जीत भी सकता है। इंग्लैंड का राजा भी ये तय करता है कि विलियम के साथ कोई समझौता किया जाए, लेकिन वो अपने बेटे को कभी नहीं भेजेगा। राजा ये तय करता है कि उसकी बीवी ही भेजते हैं और उसकी बीवी को भेजा जाता है। और जब राजा की बहू विलियम से मिलती है तो वो समझौते की बात करती है, लेकिन विलियम मना कर देता है। विलियम कहता है कि ये गुलाम बनाने के तरीके, पहले भी एक समझौता किया गया था, पहले भी राजा ने हमारी पूरी सेना को मार दिया था, उसमें मेरे बाबा और मेरे चाचा और मेरे भाई भी थे, वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। अब विलियम उसे बताता है कि यहाँ पर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। वहीं पर रानी के पास एक और आदमी होता है जो लेटिन भाषा में बात करता है। वो समझता है कि विलियम को ये जुबान नहीं आती। असल में वो आदमी ये कह रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये एक दरिंदा है। विलियम उसी की जुबान में कहता है उसे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हाँ मैं एक दरिंदा हूँ। और विलियम कहता है कि इसी बात को फ्रेंच में सुनना चाहोगे तुम। विलियम को बहुत सारी जुबानें आती हैं क्योंकि वो अपने चाचा के साथ बहुत सारी दुनिया में घूमा था। अब थोड़ी देर के बाद इज़ाबेला कहती है सबको यहाँ से जाने के लिए और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लड़की विलियम से अकेले में बात करती है, वो कहती है मुझे तुम्हारी प्रेमिका के बारे में पता चला, मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है। विलियम कहता है वो मेरी प्रेमिका नहीं थी, वो मेरी पत्नी थी, हमने चुपके शादी की थी ताकि हमें बांटना ना पड़े। इसका मतलब ये था कि मुझे अंग्रेज़ों के साथ उसे बांटना ना पड़े। जैसे कि आपको पता है कि वो कानून जो राजा ने बनाया था, जो भी शादी करेगा एक रात के लिए उसकी दुल्हन इनके पास रहेगी। इज़ाबेला ये सुन के चुप हो जाती है और बहुत ही दुख होता है उसको। अब इज़ाबेला कहीं ना कहीं विलियम को पसंद करने लगी है, क्योंकि इज़ाबेला के अपने पति के साथ कोई रिश्ते नहीं होते, वो बस एक नाम की शादी होती है। विलियम कहता है कि पता नहीं मैंने तुम्हें ये सारी बातें क्यों बताई हैं, शायद मैं अपनी पत्नी की हिम्मत तुम्हारी आँखों में देख रहा हूँ। और विलियम उसे कहता है कि तुम एक दिन मलका बनोगी, तुम अपनी आँखें खुली रखना, ये बात याद रखना,
जाने से पहले विलियम उससे ये कहता है कि जाके अपने चिंचा को कह दो कि विलियम के ऊपर कोई हुकूमत नहीं चलेगी और ना ही मेरे जीते जी किसी भी स्कॉटी पे। अगले सीन में ये बताते हैं कि जब एजिबेला वापस अपने वतन जाती है तो वो बताती है कि समझौते के लिए उसने मना कर दिया। अब एजिबेला को ये पता चलता है कि राजा की ये चाल होती है, राजा एक सिटी पे हमला करने वाला है जहाँ पे पहले से विलियम की पूरी फौज वहाँ पे होती है और राजा हमला करना चाहता है उसी वोक सिटी में। अब राजा की चाल वहाँ पे ये होती है कि जब एक बहुत बड़ी सेना होगी विलियम के सामने तो पीछे से एक और सेना को भेजा जाएगा। अब जब उस रानी को ये पता चलता है तो फौरन एक आदमी को भेजती है और विलियम को बता दिया जाता है कि राजा की ये चाल है। अब जब विलियम को ये पता चलता है तो वो समझ जाता है। अब आगे ये दिखाया जाता है कि वहाँ के जो ऊंचे ओहदे वाले होते हैं वो ये जंग नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि हम इतनी बड़ी फौज से नहीं जीत सकते। विलियम कहता है कि मैंने पहले भी जीती है, मैं फिर जीतूंगा, पर विलियम उसे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अभी जो वहाँ पे तख्त पे बैठने वाला होता है वो विलियम की बात से पूरा इत्तेफाक करता है और वो उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। अब एक तरफ विलियम की सेना होती है, दूसरी तरफ रॉबर्ट की सेना होती है जिसने वादा किया होता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और ये वक्त था सन 1298 का, और जब लड़ाई शुरू होती है तो स्कॉटलैंड के दो बड़े नेता विलियम को धोखा दे के वहाँ से चले जाते हैं। विलियम समझ जाता है पर वो अब जंग में घिर चुका है। हुआ कुछ यूँ होता है कि इंग्लैंड के राजा ने उन्हें एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा दिया होता है जिसकी वजह से वो विलियम के साथ गद्दारी करते हैं और उसी लड़ाई में विलियम और विलियम के साथियों का काफ़ी नुकसान होता है। इसी लड़ाई के बीच में बहुत सारे साथी मारे जाते हैं विलियम वॉलर के, और अब इंग्लैंड के राजा को ये लगता है कि वो ये जंग जीत जाएगा। और राजा ये देख के अब वहाँ से चला जाता है, जाने लगता है कि ये जंग तो हम जीत जाएंगे। ये देख के विलियम जो एक घायल होता है, जख्मी होता है, वो उसकी तरफ भागता है और विलियम जब उसके पीछे आता है और वहीं राजा का एक और आदमी होता है जो विलियम के पीछे आता है, विलियम उसे मार देता है और जब राजा को नीचे गिराता है और उसकी गर्दन काटने वाला होता है। हालांकि विलियम उसे देख के अब पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि विलियम को हर तरफ से धोखा दिया जा रहा होता है उस वक्त, पर विलियम बेहोश हो जाता है वहीं पर। वहाँ पर एक और आदमी भी होता है, रॉबर्ट उसे कहता है कि जल्दी यहाँ से इसे ले जाओ, और विलियम को वो वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में ये दिखाते हैं जब विलियम ठीक हो जाता है तो जिन लोगों ने उसे धोखा दिया होता है वो उन्हें मार देता है। अगले सीन में ये दिखाते हैं कि विलियम एक टीले पे खड़ा होता है। अब उसके पास कोई फौज नहीं होती, कुछ ही लोग होते। अब वो गुरीला वार शुरू कर देता है और अब भी विलियम छुपे कई हमले करता है और कई अंग्रेज़ों को मारता है और धीरे धीरे पूरे स्कॉटलैंड में वो मशहूर हो जाता है। और इसके साथ वो नए जवानों को मिला के फिर से अपनी एक फौज बनाना चाहता है। अब ये खबर राजा तक फिर पहुंचती है, राजा फिर परेशान हो जाता है। अब राजा फिर से बेटे की पत्नी को विलियम से मिलने के लिए भेजता है, लेकिन इंग्लैंड का राजा साथ में ये भी सोच रहा होता है अगर विलियम ने उसे मार दिया तो फ्रांस के राजा उसके खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि वो फ्रांस के राजा की बेटी है। अब अगले सीन में ये दिखाते हैं विलियम और एजाबेला की मुलाकात होती है। विलियम उसे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों करती हो, क्योंकि उसने विलियम की मदद कई बार की होती है और वो बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इसके बाद जो होता है फिर बताइए क्या होता है। उस सुबह होने के बाद इजाबेला अपने शहर वापस चली जाती है और वहीं पे दूसरी तरफ रॉबर्ट ब्रूस के लोग विलियम से मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, पूरा स्कॉटलैंड एक हो जाएगा और हम मिलके लड़ेंगे। लेकिन विलियम का दोस्त ये हरगिज नहीं चाहता क्योंकि वो लोग धोखेबाज होते हैं, उन्होंने पहले भी विलियम को धोखा दिया होता है और विलियम मरते मरते बचता है। पर विलियम फिर भी चाहता है, वो स्कॉटलैंड की आज़ादी चाहता है, उसे अपने वतन से मोहब्बत होती है। और ऐसा ही होता है, जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो अंग्रेज़ उसे पकड़ लेते हैं। यह एक चाल होती है। विलियम को बहुत मारा जाता है और उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और रॉबर्ट को ये देख के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसको इस चाल के बारे में कुछ नहीं पता होता, ये उसके बाप ने किया होता है। रॉबर्ट का जो बाप होता है उसने सौदा किया होता है अपने बेटे के लिए कि जो स्कॉटलैंड का तख्त है उस पर मेरा बेटा बैठेगा, और ये बात रॉबर्ट को नहीं पता होती। और अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि विलियम अब अंग्रेज़ों की कैद में है। वो कहते हैं कि तुम पे इल्ज़ाम है, तुमने अपने शहनशाह के खिलाफ बगावत की है। विलियम कहता है ये मेरा शहनशाह नहीं है, मैं इसे शहनशाह नहीं मानता। वो कहते हैं शहनशाह मान लो, मौत आसान होगी। और वो लोग ये तय करते हैं कल विलियम को सजाए मौत दी जाएगी।
अगले सीन में ये दिखाते हैं कि अजबेला राजा के पास जाती है। राजा बहुत बीमार है, मरने वाला होता है वो। अजबेला राजा से विलियम की जिंदगी की भीख मांगती है, पर वो कोई रहम नहीं करता। और उसका बेटा भी वहीं पे होता है। वो कहता है कि मेरे डैडी ने आवाज़ खोने से पहले मुझे ये कहा था कि विलियम को सजाए मौत मिलनी चाहिए। और अजबेला को जब ये पता चलता है कि राजा बात नहीं कर सकता, तो उसके कान में कहती है कि तुम्हारा वंश तुम्हारे साथ ही ख़त्म हो जाएगा। जो मेरे पेट में है वो विलियम का बच्चा है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि विलियम को और अगले दिन ये दिखाया जाता है कि विलियम को एक खंभे के साथ बांध दिया जाता है और उसे बहुत सारे लोगों के सामने बुरी तरह से मारा जाता है। उसके शरीर के कई टुकड़े किए जाते हैं। उसके सर को लंदन के पुल पर लटकाया गया और हाथ और पैर भी अलग अलग जगह पर भेज कर चेतावनी दी गई होती है ताकि कभी कोई ना बगावत करे। पर ये आग बुझने वाली नहीं होती। और अगले सीन में ये दिखाते हैं ब्रूस और उसके साथी एक हो जाते हैं और वो विलियम के नाम पर अंग्रेज़ों से जंग करते हैं और वो ये जंग जीत जाते हैं। और 1314 में वो अंग्रेज़ों से जंग जीत जाते हैं। पूरी तरह से स्कॉटलैंड आज़ाद हो जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये थी कहानी एक सच्चे हीरो की जिसने अपने वतन के लिए सब कुछ खोया, पर जब वो इस दुनिया से गया तो लोगों को इतना मोटिवेट कर गया था कि अब वो अपने वतन के लिए जान दे सकते थे।